लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे यार, इस छोटू ने तो तिगनी का नाच नचा दिया। कहाँ गया? कहाँ छुपा है कठोर, सामने तो आ जा। अरे हर मिल गया साले, अब भाग के कहाँ जाएगा? सर, हम उन लोगों को बहुत जल्द ढूंढ लेंगे। भाग कर जाएंगे कहाँ? खोपड़ी। अबे यही सब करते रहोगे कि भागोगे नहीं? किधर? इधर से। मर गया। पकड़ पकड़, तू संभाल। अबे मेरे को संभाल रहा है ये, मैं नहीं संभाल सकता यार। अरे पुलिस इधर ही आ रही है। अरे रो मत यार, ऐसा तो नहीं यार, उन्हें पता चल गया कि हमने इसको किडनैप किया है। मर गया आज तो। उन दोनों ने कहीं हम लोगों को पहचान लिया ना, तो मैं तुम दोनों को छोड़कर भाग जाऊंगा। बकवास करता है, मुंह खोलता है तो। अबे तेरे को देख, पुलिस को मारना देख, साला कुछ करो यार, कुछ सोचो। इधर ही आ रहे वो लोग, देखो यार। मैं तुम लोगों को नहीं जानता, बिल्कुल नहीं जानता। अच्छा बेटा, फिर क्या बैठ गए? क्या हुआ? क्या हुआ? कुल्ला काट रहा। नमस्ते। क्या हो रहा है? नहीं सर, आप उसकी हरकतों पर ध्यान मत दीजिए। क्या है? नहीं, उसका ऊपर का हिस्सा थोड़ा खाली हो गया है। अच्छा अच्छा। तो डॉक्टर ने कहा है कि उसको जरा ठंडी हवा में घुमाइए तो ठीक हो जाएगा। देखो, तुम लोगों ने इधर कोई बच्चा देखा है? हाँ साहब, देखा है। हा? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि रोज रात को सपना देखता हूँ ना कि मेरी शादी हो गई है और मैं दर्जनों बच्चों का बाप बन चुका हूँ। ये भी थोड़ा पागल है सर। मैं सपने वाले बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जिसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है। कुछ समझ में आया कि नहीं? ये रही उस बच्चे की तस्वीर, अगर ये कहीं दिखाई दे तो पुलिस स्टेशन में खबर करना। अरे खोपड़ी, ये तो अबे अच्छा, वो अगर मिले तो हम तो सबसे पहले आपको आपको बताएंगे साहब, क्योंकि हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। क्या हुआ, क्या बात है? पागल है ना? अरे तुम्हारा इलाज कहाँ पे चल रहा है? इलाज काय का इलाज? डॉक्टर दीक्षित, दीक्षित पागलों के सबसे बड़े डॉक्टर हैं, उन्हीं का इलाज इनको चल रहा है। हाँ, उनका नाम सुना है मैंने, बहुत सुना है। लेकिन खुली हवा में सैर कराने के साथ साथ इसके सर पर आंवले का तेल भी लगाया करो, समझे? सर, आंवले के तेल से भी अच्छा इलाज है मेरे पास। वो ये है कि सुबह सूरज निकलने से पहले नाक के एक नथनी से पानी अंदर खींच कर दूसरी नथनी से निकाला जाए तो इनके दिमाग का सारा मैल बाहर, पागलपन दूर और फायदा नहीं हुआ तो पैसा वापस। अरे वाह, हवलदारी से पहले चौपाटी पे दवा बेचते थे क्या? अरे तुमको कैसे मालूम? तुम ज्योतिषी हो क्या? हवलदार। मैं कहा, तीन पागलों के बीच में फंस गया हूँ यार। पहला कौन? ये। दूसरा तू। तीसरा पकड़े जाएंगे, बहुत चला रहा है यार। अरे हवलदार, जाओ ना, अपना काम करो यार, भगवान भला रखेगा। अरे सुनो, ये पागलपन के दौरे में किसी को तंग तो नहीं करता? पागल कौन? मैं पागल नहीं हूं। हर पागल ये बोलता है कि मैं पागल नहीं हूं। खैर, वो बच्चा अगर कहीं नजर आ जाए तो हमें खबर कर देना। जाओ तो सही। अरे खोपड़ी, धुआं। अरे वो फिर सचमुच की आग लगी है। अरे बुझाओ। आग बुझा। अरे बुझा। तू बुझा। मैं नहीं, तू तू पहले। मैं बुझा। नहीं, हम दोनों साथ में आग बुझाते हैं। एक दो तीन। अबे अबे क्या क्या तूने? आग बुझाई? उल्लू क्या पटे? आग तो बुझा दी, बाकी सब फ्रैक्चर कर दिया। वो तो पहले से ही था। वो किधर है? अबे बच्चा किधर है? बच्चा ये देख, जा रहा है, जा रहा है। पकड़ो, 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 पकड़ो उसे। पकड़ो, जल्दी। अरे, अरे, ये रुक, ये रुक। क्या है? अबे रुक, अबे रुक। अरे चक्कर,
आ रहे, चक्कर आ रहे, सब घूम रहा, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, चक्कर आ रही है। अबे पहले देख वो किधर है। अरे बच्चा वो देख, पकड़ो वो लो, देखो वहां ऊपर बैठा है। कैसे पहुंच गया यार? लेकिन अपने पैसे तो जाएंगे पानी में, गिर जाएगा। अरे 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 पकड़, इतने से बच्चे ने बर्बाद कर दिया यार, पकड़ो उसको यार। आइए साहब जल्दी आइए। अरे हां सर, वो आओ हो जाएगा सर, ऊपर बच्चा है, बच्चा। हां बैठिए बैठिए बैठिए। अरे वहां जाना है, चल जल्दी बढ़िया, अभी बैठिए, बैठो बैठो जल्दी, चलो अभी, हां जल्दी आइए, चल चल। अरे बाप रे, चलो। अरे लेकिन चलो बेटे, तुम्हारा राउंड पूरा हो गया, उतरो नीचे। अरे 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 नीचे नीचे नीचे, हम पहुंच गए। अरे अरे रोकना यार, अरे कैसे उतरे, उतर उतर। तो दिमाग फिर गया यार, कहाँ गया क्या, कभी इधर कभी उधर, ये बच्चा है कि क्या, क्या करूंगा ढूंढ ढूंढ के। अरे अबे आटा क्या है, क्या है रे, तुम लोग क्या समझे थे, पैसा देने के बाद मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा। हा? बच्चा कहाँ है? अरे काहे का बच्चा, वो साला उल्टा हमारा बाप है, डेढ़ फुट का शैतान, नाक में दम कर दिया साले ने हमारे। अरे वो तो हमारे हाथ से निकल ही गया था बापू, बड़े मुश्किल से हमने उसको पकड़ा। क्यों? अरे जब वो मिला, तुम्हारे आदमी हमें पकड़कर यहाँ ले आए। आगा सेठ, बच्चा मिल गया। गुड जॉब, गुड जॉब। ये ना बच्चा, क्या बच्चा बच्चा कर रहे हो, मिल गया। हेलो वकील बाबू, अपन के पैसे लाओ जल्दी। पैसे किस बात के? बच्चा तो मेरे आदमी पकड़ के लाए हैं। हमने इसे इसके नाना के घर से उठाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई है। हमने इसे खिलाया पिलाया, अरे लोरी भी सुनाई, और तुम कहते हो तुम्हारे आदमी पकड़ के लेके आए। देखो वकील साहब, जो खोपड़ी बच्चे को जज के घर से उठा के ला सकती है, वही खोपड़ी बच्चे को जज के यहाँ पहुँचा भी सकती है। अपने से पंगा लेना नहीं है। पैसा जल्दी दे देना, वरना बेवड़े का श्राप लग जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। बर्बाद तो अब तुम तीनों हो गए। तुम राजू भटनागर की शायद आदत जानते नहीं, वो जिससे काम लेता है उसका इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए पत्ता साफ कर देता है। बांधो इन तीनों को। जस्टिस सिन्हा। यस स्पीकिंग। आपका नाती हमारे कब्जे में है। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? राजू भटनागर की रिहाई। व्हाट, पागल तो नहीं हो गए हो तुम? अगर कल कोर्ट से राजू भटनागर को तुमने रिहा नहीं किया, तो अपने नाती की लाश देखकर तुम और तुम्हारी बेटी जरूर पागल हो जाएंगे। इम्पॉसिबल, नामुमकिन, हम अपने फर्ज से गद्दारी नहीं कर सकते। इस नहीं का अंजाम तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, जस्टिस सिन्हा। हेलो हेलो, किसका फोन था डैडी, किसका फोन था? किडनैपर का। वो मुन्ने के बदले राजू भटनागर की आजादी चाहता है। तो छोड़ दीजिए राजू भटनागर को, मुझे मेरा मुन्ना चाहिए, मुझे मेरा मुन्ना चाहिए डैडी। मैं तेरी ममता की तड़प को समझता हूँ बेटी, लेकिन कानून का गला घोट के, कानून का रिश्ता आपसे सिर्फ पैसे का है, सिर्फ रोजी का है, मुन्ना आपका खून है डैडी। बेटी ऐसे अल्फाज बोल के अपने बाप के फर्ज को गाली मत दो, एक जज होने के नाते दुनिया के हर रिश्ते से बड़े मेरी ड्यूटी मेरा फर्ज है। मोना चुप हो जाओ, मोना चुप हो जाओ। मैं तुझसे वादा करता हूँ मोना, इससे पहले कि तेरे डैडी को झुकने पर मजबूर होना पड़े, मैं अपने मुन्ने को लेकर आऊंगा। बता मेरा बंटी का है? बता मेरा मोंटी का है? बता मेरा बच्चा का है? बता मेरे मोंटी को कहाँ छुपा के रखा है? Yeah.
हेलो, तुम्हारा पति राजू भटनागर को रिमांड पर पुलिस लॉकअप में ले गया है। अगर उसने उसे वहां हाथ भी लगाया तो याद रखना तुम्हारे बच्चे का आशीर्वाद पूरा होगा। नहीं, प्लीज प्लीज मेरे मुन्ना को कुछ मत करना, भगवान के लिए उसे छोड़ दो। अगर तुम अपने बच्चे को सही सलामत चाहती हो तो विकास से कहो कि राजू भटनागर को पुलिस लॉकअप से भागने का मौका दे, और अगर ऐसा नहीं ना हुआ तो एक बात हमारे कान खोल के सुन लो कि हम तेरा बच्चा का इतना टुकड़ा कर दूंगा, इतना टुकड़ा कर दूंगा कि गिनते गिनते थोड़ी उम्र कट जाएगी।